हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेविकल बोन के बारे में। क्लेविकल बोन के अंदर पढ़ेंगे इसके साइड डिटर्मिनेशन, फीचर्स और अटैचमेंट्स। सबसे पहले इसका देखते हैं डायग्राम। ये है यहाँ पर रेड कलर की क्लेविकल, जो कि नंबर में दो होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। क्लेविकल बोन को यहाँ पर ब्यूटी बोन भी कहा जाता है और कॉलर बोन भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन होती है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पर शोल्डर को सपोर्ट देती है ताकि जो आर्म है वो क्लियरली स्विंग कर सके। उसके बाद जो ये क्लेविकल बोन होती है, ये वेट ट्रांसमिट करने का भी वर्क करती है। कोई भी, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उठाया अपने अपर लिम्स से, तो अपर लिम्स से जो वेट आएगा वो जाएगा क्लेविकल पर, क्लेविकल उसको ट्रांसमिट कर देगी स्टनम पर। ये है यहाँ पर स्टनम, पीछे की तरफ है स्केपुला और ये है ह्यूमरस बोन। ओके, तो यहाँ पर होती है क्लेविकल बोन। हम बाद में देखेंगे क्लेविकल बोन के कितने पार्ट्स होते हैं और इसकी कौन सी सरफेस होती है और किस किस से ये यहाँ पर जॉइंट बनाती है और किस किस से अटैचमेंट की होती है। ओके, तो यहाँ पर बात आती है। उसके बाद ये हमने देख लिया कि शोल्डर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्लेविकल वेट को ट्रांसमिट करने का वर्क करती है। उसके बाद है यहाँ पे द बोन हैज अ सिलेंड्रिकल पार्ट कॉल्ड द शाफ्ट एंड द टू एंड्स लेटरल एंड मीडियन। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, ये रेड कलर की जो बोन है इसका जो बीच वाला पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको कहा जाता है शाफ्ट और इसके टू एंड्स होते हैं। ठीक है, जो बीच में होगा जो एंड जो कि स्टनम के पास होगा उसको हम यहाँ पे कहते हैं मीडियन एंड, और जो एंड बाहर की तरफ होगा, शोल्डर की तरफ होगा, स्केपुला की तरफ होगा, उसे यहाँ पर कहा जाता है लेटरल एंड। इसको हम डायग्राम से भी डिस्कस करते हैं। ये है क्लेविकल, क्लेविकल बोन है ये राइट साइड की, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटरल मीडियन एंटेरियल पोस्टियल। तो ये डायग्राम जो है क्लेविकल का, हमने यहाँ पे देखा इसके बीच वाले पार्ट को, सिलेंड्रिकल पार्ट को शाफ्ट कहा जाता है। तो ये हो गया पूरा शाफ्ट और उसके हो गए इसके दो एंड्स, एक तो हो गया मीडियल एंड और एक हो गया लेटरल एंड। मीडियल एंड को यहाँ पे स्टर्नल एंड भी कहा जाता है। स्टर्नल एंड यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टनम है, ये स्टनम की साइड है और ये यहाँ पर आर्टिकुलेशन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट है एक जो कि स्टनम के साथ बनता है। और इसके लेटरल एंड को यहाँ पे कहा जाता है एक्रोमियल एंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्रोमियम होता है, इसलिए शोल्डर का, स्केपुला का। तो इसके टू एंड्स हो गए मीडियल एंड और एक हो गया लेटरल एंड, और बीच वाले पार्ट को कहते हैं शाफ्ट। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके साइड डिटर्मिनेशन की। साइड डिटर्मिनेशन में है यहाँ पर द लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियन एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। अब इसको देखते हैं, पहले इस डायग्राम से देखते हैं कि जो लेटरल एंड है ये होता है फ्लैट। इसको जूम करके देखते हैं, ये है लेटरल एंड। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, और जो इसका मीडियल एंड है वो इसका थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है और क्वाड्रिलेटरल होता है। इस वाले डायग्राम से देखते हैं, जो यहाँ पर इसका मीडियल एंड है, ये स्टर्नल एंड है, वो लार्ज है, क्वाड्रिलेटरल है, और जो एक्रोमियल एंड और लेटरल एंड जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है। उसके बाद आता है शाफ्ट इज राइटली कर्व्ड सो दैट इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल टू थर्ड एंड कॉनकेव फॉरवर्ड्स इन इट्स लेटरल वन थर्ड। अब इसको डायग्राम से देखते हैं, इन दोनों डायग्राम से। तो हमने बात की थी यहाँ पे जो बीच वाला जो शाफ्ट है, पहले जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको शाफ्ट कहा जाता है। अब इसके यहाँ पे टू कर्व्स है, देखने को मिल रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा अंदर जा रहा है, ये वाला पार्ट है जो थोड़ा बाहर आ रहा है। पीछे की तरफ से भी ऐसा ही, ये वाला पार्ट थोड़ा अंदर आ रहा है, ये वाला बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस शाफ्ट के अंदर अपन को कर्व देखने को मिलते हैं, दो कर्व होते हैं। तो पहले तो इनको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, इस शाफ्ट को, जो पार्ट लेटरल तरफ है उसको कह दिया यहाँ पर लेटरल वन थर्ड, और जो मीडियल वाला पार्ट है इसको कह दिया मीडियन टू थर्ड। ओके, अब इन दोनों के यहाँ पर कर्व बताया गया है। जो लेटरल साइड, लेटरल वन थर्ड वाला जो पार्ट है वो कॉनकेव होता है, और मीडियल टू थर्ड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कॉन्वेक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, जो शाफ्ट है वो एग्जैक्टली कर्व्ड होता है, कर्व देखने को मिल रहा है, और कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है ये मीडियल टू थर्ड में। मीडियल टू थर्ड है ये, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ से कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ से ये होता है कॉनकेव, जो कि है लेटरल वन थर्ड वाला पार्ट। और जो ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं ये होता है सुपीरियर एस्पेक्ट, जो कि हमें यहाँ पे ऊपर से देखने को मिल रहा है, जो हमें पार्ट ऊपर देखने को मिल रहा है इसको हमने कहा है सुपीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, अगर मान लो ये बोन है, इस ये ऊपर वाला पार्ट है, ये है इसका सुपीरियर, अगर इस बोन को इस तरह से कर देंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा इन्फीरियर। तो ये है सुपीरियर, अगर इस बोन को इस तरह से उल्टा कर देंगे तो ये हो गया इसका इन्फीरियर पार्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये तो हमने सुपीरियर वाले पार्ट की बात कर ली, यहाँ पर इन्फीरियर सरफेस के बारे में लिखा हुआ है, द इन्फीरियर सरफेस इज ग्रूड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मीडियल वन थर्ड। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पार्ट पहले ऐसा था सुपीरियर, इसको कर दिया हमने इन्फीरियर, तो इन्फीरियर के अंदर हमको यहाँ पे इन्फीरियर सरफेस के अंदर एक ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखने को मिलता है मीडियल वन थर्ड में। ठीक है, ये रहा। ओके, अब यहाँ पर बात आते हैं इसके फीचर्स की। इससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे इसके साइड डिटर्मिनेशन, अब फीचर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इसके शाफ्ट को और इसके बोथ एंड्स को, लेटरल एंड मीडियल एंड को।
तो सांप को हमने यहाँ पे देखा था कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो है लेटरल वन थर्ड और एक है मीडियल टू थर्ड। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे लेटरल वन थर्ड की, उसके बाद बात कर देंगे मीडियल टू थर्ड की। ओके, तो लेटरल वन थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो लेटरल वन थर्ड के बारे में हमने पहले भी देखा था कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है फ्लैट। ओके, तो शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। ओके, फिर उसके बाद लेटरल वन थर्ड जो पार्ट है इसकी होती है टू बॉर्डर्स, एक होती है एंटेरियल बॉर्डर और एक होती है पोस्टेरियल बॉर्डर। अब एंटेरियल पोस्टेरियल क्या होता है देखो, पहले भी डिस्कस किया था ये वाला पार्ट कि लेटरल एंड और मीडियल एंड, ये हो गया लेटरल एंड, ये हो गया मीडियल एंड। मीडियल एंड जो कि अंदर की तरफ होता है थोड़ा सा स्टर्नम की तरफ, और एक्रोमियल एंड या फिर लेटरल एंड जिसे कहेंगे जो होता है बाहर की तरफ शोल्डर की तरफ। अब एंटेरियल जो है वो होता है आगे की तरफ और पोस्टेरियल मतलब पीछे की तरफ। ओके, उसके बाद सुपीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट हमने देख लिया, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ और इंफीरियर मतलब इसका नीचे की तरफ हो गया। तो यहाँ पर लेटरल वन थर्ड की यहाँ पर होती है टू बॉर्डर्स, एंटेरियल बॉर्डर और पोस्टेरियल बॉर्डर। एंटेरियल बॉर्डर मतलब ये वाले एंटेरियल बॉर्डर, ये है पोस्टेरियल बॉर्डर, ओनली हम यहाँ पर लेटरल वन थर्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो एंटेरियल बॉर्डर जो होती है वो कॉनकेव होती है फॉरवर्ड्स, ये होगी एंटेरियल बॉर्डर, ये होगी फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो ये क्या है, ये है कॉनकेव। उसके बाद पोस्टेरियल बॉर्डर जो होती है वो होती है कॉनवेक्स बैकवर्ड। अब ये यहाँ पर कॉनकेव है तो पीछे की तरफ हो जाएगी, यहाँ पर ये कॉनवेक्स बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, जो लेटरल वन थर्ड वाला पार्ट है इसकी यहाँ पर टू बॉर्डर्स होती है, एंटेरियल बॉर्डर एक होती है पोस्टेरियल बॉर्डर। एंटेरियल बॉर्डर जो होती है वो होती है कॉनकेव फॉरवर्ड, और जो पोस्टेरियल बॉर्डर होती है वो होती है कॉनवेक्स बैकवर्ड। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके सरफेस। तो लेटरल वन थर्ड की यहाँ पर होती है टू सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर हमने देखा, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर मतलब नीचे वाला। तो सुपीरियर भी देखेंगे सिर्फ लेटरल वन थर्ड का, यहाँ तक ही। तो सुपीरियर जो इसका सरफेस होता है वो होता है सबक्यूटेनियस। जब अपन इसको फील करते हैं अपने ऊपर, तो ये जब अपन को देखते हैं तो अपन को सबक्यूटेनियस देखने को मिलती है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे होती है, जो कि अपन इसको फील कर सकते हैं। और इसका इन्फीरियर सरफेस होता है, इन्फीरियर सरफेस पे क्या होता है ना, एलिवेशन देखने को मिलता है, प्रेजेंट विथ एलिवेशन कोल्ड कोनोइड ट्यूबरकल एंड रिच कोल्ड ट्रेपेजॉइड रिट। अब ये हो गया सुपीरियर, अब इसका इन्फीरियर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है इन्फीरियर सर्फेस के बारे में। तो इन्फीरियर सर्फेस पे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एलिवेशन प्रेजेंट होता है, एक तो होता हो गया कोनोइड ट्यूबरकल और एक हो गया ट्रेपेजॉइड रिट जो कि यहाँ पर है। ओके, तो टू सरफेस हो गई, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस हो गई सबक्यूटेनियस, और इन्फीरियर सरफेस पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एलिवेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके मीडियल मीडियल टू थर्ड की। ये वाला पार्ट हो गया मीडियल टू थर्ड। अब इस वाले पार्ट को छोड़ दो, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी देख लो, मीडियल टू थर्ड हमने पहले बात किया था कि थोड़ा सा लार्ज होता है और थोड़ा राउंड होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। फिर होती है इसकी यहाँ पर सरफेस, तो इसकी होती है फोर सरफेस। इसमें तो हमने देखा था सरफेस ओनली इसकी टू सरफेस होती है, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस, लेकिन मीडियल वाले की होती है यहाँ पर फोर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस मतलब आगे वाला एंटीरियर और ये वाला पोस्टीरियर। तो एंटीरियर सरफेस होता है वो होता है कॉनवेक्स फॉरवर्ड, हमने पहले भी देखा था कि ये फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ से है, वो है कॉनकेव। ओके, और पोस्टेरियर सरफेस जो होती है वो इसकी स्मूथ होती है, पीछे से देखेंगे जब हम इसको फिंगर्स फील करेंगे, जब अपने पास बोन होगी तो ये हमें थोड़ी सी स्मूथ देखने को मिलेगी। उसके बाद इन्फीरियर सरफेस जो होता है वो रफ होता है थोड़ा सा मीडियल पार्ट की तरफ से, और इसका जो इन्फीरियर सरफेस होता है यहाँ पे एक रफ ओवर इंप्रेशन देखने को मिलता है मीडियल एंड पर। ठीक है, तो इन्फीरियर सरफेस मतलब ये वाला नीचे वाला पार्ट, इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस पे रफ ओवर इंप्रेशन देखने को मिलता है मीडियल एंड की तरफ, और लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज अ लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव, जो कि हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर अपन को इन्फीरियर सरफेस पे सबक्लेवियन ग्रूव देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसके फीचर्स में हमने देख लिया सांप के बारे में, अब देखेंगे लेटरल एंड मीडियल एंड के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेटरल एंड मीडियल एंड के बारे में, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है इसके लेटरल और एक्रोमियल एंड के बारे में। तो हमने पहले देखा था कि लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केपुला होती है और उसका एक्रोमियम प्रोसेस होता है जिसके साथ ही जॉइंट बनाता है। तो लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहा जाता है, जो कि फ्लैट होता है, अबव डाउनवर्ड्स होता है। तो यहाँ पर भी फिर से वही बात लिखी हुई है कि जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन का जो लेटरल एंड है वो स्केपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से जॉइंट बनाता है, जिसको कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो ये जॉइंट जो देखने को मिल रहा है ये है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और नीचे की तरफ लिखा हुआ है इसका जो मीडियल और स्टर्नम जो एंड है, जो कि क्वाड्रेंगुलर होता है, आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नोज ऑफ द मैनुब्रियम स्टर्नी टू फॉर्म द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो इसका जो मीडियल एंड है वो यहाँ पर जॉइंट बनाता है, इसको कहा जाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब यहाँ पर लास्ट में बात आती है अटैचमेंट्स की।
तो अटैचमेंट्स को समझने से पहले अपन को ये याद होना चाहिए ये सारा पार्ट, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। ये है राइट क्लेविकल के टू एंड्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड जिसको अपन कहते हैं मीडियल एंड, एक्रोमियल एंड जो कि होता है लेटरल एंड, और इसके टू पार्ट्स होते हैं लेटरल वन थर्ड, मीडियल वन थर्ड। लेटरल वन थर्ड होता है आगे की तरफ से कॉनकेव और मीडियल टू थर्ड होता है आगे से कॉन्वेक्स। ये है सुपीरियर एस्पेक्ट और इसके निचला पार्ट होगा इंफीरियर एस्पेक्ट। ये पूरा पार्ट होता है एंटीरियर बॉर्डर, ये होती है पोस्टीरियर बॉर्डर, ओके। तो उसके बाद इसके अटैचमेंट्स को हम समझेंगे इस वाले डायग्राम से। सेम यही है, सिर्फ इसके अंदर अटैचमेंट्स बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है लेटरल एंड की, उसके बाद बात करेंगे मीडियल एंड की। तो लेटरल एंड कौन सा होता है, ये वाला पार्ट होता है लेटरल एंड, ठीक है, याद रखना इस वाले डायग्राम से। ये है लेटरल एंड जो कि बाहर की तरफ शोल्डर की तरफ होता है। अब लेटरल एंड में क्या लिखा हुआ है, एट द लेटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस फॉर इट्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट गिव अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। अब ये लेटरल एंड है, लेटरल एंड क्या करता है, ये होता है आर्टिकुलेट होता है किसके साथ, एक्रोमियम प्रोसेस के साथ, जो कि यहाँ पर जॉइंट बनाता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की तरफ जो लेटरल एंड होता है यहाँ पर होता है जॉइंट कैप्सूल्स के अटैचमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इसका अटैचमेंट। उसके बाद यहाँ बात आती है मीडियल एंड की, एट द मीडियल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस फॉर द स्टर्नम गिव अटैचमेंट टू। अब ये होता है लेटरल एंड, लेटरल एंड की तरफ क्या होता है ना, यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर, क्योंकि यहाँ पे स्टर्नम होता है तो यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल्स होते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के अराउंड में, ठीक है, यहाँ पर कैप्सूल्स ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकुलर डिस्क होती है यहाँ पर मीडियल एंड की तरफ, और उसके बाद इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है सुपीरियरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या अटैचमेंट्स हो गई, लेटरल एंड में होगी जॉइंट कैप्सूल्स, उसके बाद मीडियल एंड में होगी फाइब्रस कैप्सूल, आर्टिकुलर डिस्क को देखने को मिलेगी, उसके बाद इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट्स देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर इसके एंड्स को तो समझ लिया कि एंड्स पे किस किस चीज का यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है लेटरल वन थर्ड की, जो साफ में लेटरल वन थर्ड होता है ना उसके। अब लेटरल वन थर्ड कौन सा होता है, ये है लेटरल वन थर्ड जो कि लेटरल साइड है। तो इस कारण इस वाले डायग्राम में जाएगा लेटरल वन थर्ड, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया सुपीरियर सरफेस में, और इन्फीरियर सरफेस में हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो कि लेटरल वन थर्ड। तो लेटरल वन थर्ड को समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर मीडियल टू थर्ड वाले को पार्ट को समझेंगे। तो लेटरल वन थर्ड में क्या होता है, लेटरल वन थर्ड का जो एंटीरियर जो बॉर्डर होती है, आपको याद है हमने पढ़ा था कि इसकी टू बॉर्डर्स होती है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल वन थर्ड की। तो लेटरल वन थर्ड के एंटीरियर बॉर्डर पर डेल्टोइड का ओरिजन होता है, जो रेड कलर की है ये है डेल्टोइड, इसका ओरिजन यहाँ पर हो रहा है। और इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है ट्रेपेजियस का इंसर्शन, जो ब्लू कलर में है इसका मतलब है इंसर्शन। तो ट्रेपेजियस का इंसर्शन होता है यहाँ पर इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पर, ओके। जब इस बोन को उल्टा करके देखेंगे तो अपन को यहाँ पर भी ट्रेपेजियस देखने को मिलेगी थोड़ी सी, ओके। उसके बाद आपको याद है हमने यहाँ पर पढ़े थे इसके कॉर्नर ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिड्स, आपको याद हो तो ये इस जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पे भी यहाँ पर अटैचमेंट्स होती है। अब किसकी अटैचमेंट होती है यहाँ पर कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट की, ये यह यहाँ पर है ट्रेपेजॉइड एंड कॉर्नर पार्ट ऑफ कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट, ये है कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट इसके इन्फीरियर सरफेस पर। उसके बाद यहाँ पर है मीडियल टू थर्ड ऑफ द साफ्ट। अब आपको यहाँ पे याद है कि हमने यहाँ पर मीडियल टू थर्ड के अंदर पढ़ा था कि इसकी फोर सर्फेसेस होती है, कौन कौन सी सर्फेस होती है, एक तो हो गया एंटीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस, इन्फीरियर सर्फेस, और एक होती है पोस्टीरियर सर्फेस पीछे की तरफ, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस, और इसके नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी इन्फीरियर सर्फेस। तो इस सब जगह पर यहाँ पर किसी ना किसी चीज का अटैचमेंट होता है। अब यहाँ पर बात है एंटीरियर सर्फेस, एंटीरियर सर्फेस भी होता है पेक्टोरिस मेजर का ओरिजन। तो इस डायग्राम में देखते हैं ये है पेक्टोरिस मेजर, तो यहाँ पर ओरिजन हो रहा है किस जगह पर, इसकी एंटीरियर सर्फेस पे। उसके बाद इसकी सुपीरियर सर्फेस, इसकी जो सुपीरियर सर्फेस मतलब ऊपर वाली सर्फेस है, यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का ओरिजन होता है। इस डायग्राम में देख लो ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ओके। तो इसके एंटीरियर पे हो गया, सुपीरियर पे हो गया। फिर उसके बाद द ओवल इंप्रेशन ऑन द इन्फीरियर सर्फेस एट द मीडियल एंड गिव अटैचमेंट टू द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ है, ये है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जहाँ पर इसका इंसर्शन, सॉरी यहाँ पर इसका अटैचमेंट हो रहा है इन्फीरियर सर्फेस में। ये हो गया सुपीरियर सर्फेस, ये है इन्फीरियर सर्फेस, इसको उल्टा करके देखा है तो इस जगह पर, ओके। फिर उसके बाद है सब क्लेवियन ग्रूव गिव इंसर्शन टू द सब क्लेवियन मसल। तो आपको याद है जब हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था तो हमने यहाँ पे एक सब क्लेवियन ग्रूव देखा था। तो इस सब क्लेवियन ग्रूव की जगह पर यहाँ पर कौन सी मसल का इंसर्शन होता है, वो होता है सब क्लेवियन मसल का। तो ये सब क्लेवियन मसल का यहाँ पर
इंसर्शन हो रहा है। उसके बाद द मार्जिन्स ऑफ द ग्रूव गिव अटैचमेंट टू द क्लेवी पेक्टोरल फेसा। अब क्लेवी पेक्टोरल फेसा का अटैचमेंट होता है इसकी मार्जिन्स के मार्जिन्स पर, इस ग्रूव के मार्जिन्स पर। अब इसके लास्ट में आता है एक और सरफेस जो कि है पोस्टरियल सरफेस। अब पोस्टरियल सरफेस पे क्या होता है ना, द पोस्टरियल सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड गिव ओरिजन टू स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नोहायोइड मसल इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर स्टर्नोहायोइड जो मसल है इसका ओरिजन होता है, ठीक है। कौन से वाले पे? पोस्टरियल सरफेस पर। ये होगी सुपीरियर सरफेस है, ये इन्फीरियल है। अब इन्फीरियल के हम यहाँ पे पोस्टरियल पे देख रहे हैं, पोस्टरियल तो ये वाली होनी चाहिए ना, लेकिन हमने इसको उल्टा करके देखा है तो पोस्टरियल ये वाली हो गई, ये पोस्टरियल है, उल्टा करेंगे ये वाली पोस्टरियल हो गई, तो स्टर्नोहायोइड का यहाँ पर ओरिजन होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया क्लेविकल बोन को, क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ा है, इसके साइड डिटरमिनेशन, इसके फीचर्स और इसके अटैचमेंट। ये है इसका डायग्राम, आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए और ये दोनों डायग्राम याद होना चाहिए, इसमें आपको पूरा क्लेविकल बोन अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।